प्रभु मास्टर जी की बहुत मेहनत और उनकी लगन और नागेश्वर मास्टर साहब की मेहनत सार्थक है जो आप सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे लिए निर्देश हुआ है थोड़ी देर चर्चा आप लोगों के बीच करूं। एक उदाहरण बताऊं। एक राजा राजमहल में घोषणा करता है कि जो मेरे घोषणा को स्वीकार करता है और उसमें विजय हासिल करता है उसको मैं राज्य का युवराज घोषित कर दूंगा। लेकिन उसमें बात ये है कि मेरे जो राजमहल है उसके किनारे में एक तालाब है, तालाब में से एक छोर से दूसरे छोर तक पार होकर के आना है। जैसे घोषणा करने के कुछ दिन बाद जिस दिन घोषणा था, जिस दिन निर्णय आना था, उस दिन हजारों की भीड़। कौन युवराज नहीं बनना चाहता है? युवराज बनने के लिए हजारों की भीड़ लगी हुई है। उसी समय फिर से एक आवाज आती है, सावधान, आप युवराज तो बनना चाहते हैं, इस तालाब से एक छोर से उस छोर तक तो जाना चाहते हैं, लेकिन याद रखना इस तालाब में जहरीले सांपों को छोड़ा गया है और किसी भी वक्त किसी भी समय तालाब में प्रवेश करते ही जहरीले सांप डस सकते हैं। इतने बात सुनने के बाद युवराज बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन तालाब में प्रवेश नहीं करता है। सब डर से जाता है, ठक से जाता है। इतना में एक लड़का छलांग लगाता है और तेजी से तैरते हुए पार होकर के लौट करके आता है। जैसे ही लौट करके आते हैं, लोग पुकारना शुरू करते हैं, युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। तो लड़का क्या बोलते हैं पता है? वो लड़का कहते हैं, मुझे किसने धक्का मारा? वो लड़का कूदा नहीं था। वो लड़का कहता है, मुझे किसने धक्का मारा? तो लोग कहते हैं, धक्का चाहे किसी ने भी मारा हो, तुम बन तो गए युवराज। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको किसी ने धक्का मार करके यहाँ भेजा हो या आप श्री प्रभु मास्टर नागेश्वर मास्टर के आमंत्रण से यहाँ पहुंचे हो, आप सत्संग स्थल तक आ तो गए ना। आप सत्संग स्थल तक आ गए अपने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन में कुछ निर्माण करने के लिए, अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आपने पैर प्रथम सीढ़ी पर रख दिया। आपकी शुरुआत है। अब क्या करना है? सत्संग स्थल में बैठ गए, अब क्या करना है? अब जीवन को सुंदर, मन को साफ करते जाना है, जीवन को तराशना है, जीवन की कीमत को समझना है। आज तक हमने ना जाने कितने बेशकीमती अनमोल जीवन को यूं ही बर्बाद किया है, यूं ही तबाह कर दिया है। अब हमको क्या करना है? इन बेशकीमती लम्हों को समय का सदुपयोग करके अपने जीवन में परिमार्जित करना है, अपने जीवन को परिमार्जित करना है। कैसे परिमार्जित करना है? और उदाहरण बताऊं आपको। एक व्यक्ति तालाब के किनारे बैठा है और तालाब के नदी के किनारे बैठ करके सुबह-सुबह का समय, सुबह-सुबह का समय नदी के किनारे बैठ करके थोड़ा सा उजाला नहीं हुआ है, धुंधला सा है, वहाँ बैठा है नदी के किनारे। कुछ कुछ बैठा था वहीं पर कांच की गोलियां थी, उन कांच के गोलियों को लेता और नदी में फेंकता। नदी में कांच के गोलियां तरंगाई तो होकर के एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार छलांग लगाने के बाद में नीचे डूब जाता। फिर कांच के गोलियां उठाता, फिर उन गोलियों को नदी में फेंकता, एक बार, दो, तीन बार, चार बार उस पानी में डूबता और अंतिम में डूब जाता। ना जाने उसने ऐसे करते करते कितने कांच की गोलियों को फेंक दिया।
जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सूर्य के प्रकाश में अचानक से उनके आंखें पड़ती हैं कांच के गोलियों में, तो उनके आंखें धुंधला से जाता है, एकदम चंध्या से जाता है, एकदम प्रकाश की ज्वलंत किरण निकलती है। वो देखता है ये साधारण कांच की गोलियां नहीं है, ये तो बहुत बेशकीमती कांच की गोलियां है, लगता है मुझे इसे जौहरी के पास ले जाना चाहिए। और व्यक्ति जौहरी के पास जाता है, उनके पास उस समय सिर्फ दो कांच की गोलियां बचा है। उन दो कांच की गोलियों को जौहरी के पास ले जाकर के वो बेचता है और उन कांच की गोलियों के बदले अपना पैसा लेता है, मकान बनाता है, गाड़ी खरीदता है, सुंदर घर का निर्माण करता है, क्योंकि उनको सुंदर जौहरी सुंदर एक जेवरात मिल चुका था। ये किसी व्यक्ति की कहानी नहीं, आपके बंधु हम सबकी कहानी है। हम जितने लोग बैठ गए हैं, हम सबकी कहानी, हम सबको कांच की गोलियां मिला और उन कांच की गोलियों को हमने सबने फेंक दिया है, नहीं फेंके, सबने फेंक दिया है। हमारा जीवन मिला था 80 साल 90 साल का बालकपन, ये कांच की गोलियां थी, स्वर्ण मुद्राएं थी, बालकपन को हमने कहां घुमाया पता नहीं, जवानी आए और जवानी को कहां गंवा दिए, जवानी में होश नहीं था, बेहोशी में जिंदगी को तबाह कर दिए, आते आते अधेड़ आ गया, बुढ़ापा आ गया, न जाने कितनी कांच की गोलियों को फेंक दिए। आज भी आपके पास समय है, आज भी आपके पास समय है, अपने जीवन में यू टर्न ला सकते हैं, अपने जीवन को आज भी बदल सकते हैं, अपने जीवन में आज भी चुनौती दे सकते हैं, मुझे अब सुंदर जीवन का निर्माण करना है, मुझे शिकायत भरी जिंदगी नहीं जीना है, तेरे मेरे की जिंदगी नहीं जीना है, मुझे एक निस्वार्थ जिंदगी जीना है, जिसमें शिकायत नहीं, जिसमें कामना नहीं, जिसमें दाम दाम इच्छाएं और चाहनाएं नहीं, जिसमें प्रेम से ओत प्रोत जिंदगी जीना है, मुझे अपनों से प्यार करना है, मुझे अपने जीवन से प्यार करना है। हम सब क्या करते हैं, अपने जीवन से प्यार नहीं करते। अभी बहुत सुंदर भजन सुन रहे हैं, मैं बड़ा ही भाग्यवान इसलिए कि इंसान हम सब बैठे भाग्यवान हैं। कितने लोग भाग्यवान हैं, अपने भाग्य की रेखा अपने को खुद को निर्माण करना चाहिए। तो कुछ लोग अपने भाग्य की रेखा तीर्थ यात्राओं में देखते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारा में, कोई कोई मूर्ति में, कोई और कहीं, और अपने भाग्य की रेखा को हम बेटते चले जाते हैं, अपने भाग्य की रेखा हम खुद निर्माण नहीं कर पाते। आपके जीवन को उत्थान करता आप ही हैं, आपके जीवन के मालिक आप ही हैं, आपके कोई आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता और कोई फायदा नहीं कर सकता, आप ही आपके निर्माता हैं। जीवन का विकास करना चाहिए, अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। और सद्गुरु कबीर का विचार कर्म पर कर्म सिद्धांत विचार है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कर्म कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल बबूल का आम कहां से खाए। यदि आप अभी आपने गेहूं का बीज रोपित किया है तो आप काटते समय धान का फसल नहीं काटेंगे, गेहूं का ही बीज काट गेहूं का ही फसल काटेंगे। यदि आपने जीवन में कठोरता भरा जीवन बिताया है, यदि आपने जीवन में कठोरता भरी बीज रोपित किया है, जीवन का फसल कैसा होता है? आप जो दूसरे के जीवन में बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं। आप जो दूसरे के जीवन में बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं। यदि दूसरों के जीवन में प्रेम बोते हैं, करुणा बोते हैं, दया क्षमा संतोष बोते हैं, तो अपने जीवन में करुणा का, प्रेम का, दया का, क्षमा का, सम्मान का भी फसल आप अपने जीवन में काटते हैं। और यदि आप कहीं दूसरे के जीवन में घृणा का बीज रोपित करते हैं, वह मनुष्य का बीज रोपित करते हैं, रात रात द्वेष का बीज रोपित करते हैं, वही आप काटते हैं। और कुछ लोग कहते हैं, क्या बताएं महाराज, आपको दुख ही दुख मिल रहा है, आपने दुख का बीज ही बोया है तो फसल कैसे मिलेगा, सुख का फसल? आपने कब सुख का काम किया है? आपने कब आत्मा शांति का काम किया है? कब आपने ध्यान और चिंतन किया है? कब अपने जीवन को उत्थान करने के लिए संतों के सानिध्य में गए? कब आश्रम में जाकर के कुछ सेवा श्रद्धा और साधना किया? बस जन्म लिए तब से कमाए खाए, पैसा मकान दुकान घर कपड़ा लत्ता बच्चे बच्चा परिवार इसी में बीत गए जीवन। कब आपने काम किया है शांति का काम? हमने किया ही नहीं है, हमने किया ही नहीं। मैं अपने मूल बात पर आ रहा हूं। आज भी हमारे पास समय है,
जो हमारे पास से समय बचा है ना, उस समय को इतना अच्छे ढंग से दोहन करें हम कि अपने आप से महसूस हो कि मुझे जीवन पे अब मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं सुंदर जीवन का निर्माण करने लग गया, अब मैं सुंदर जीवन का निर्माण करने लग गया हूँ, अब मुझे जीवन को तराशना आ गया है, आप मैं अपने जीवन को खुद तराशूंगा, खुद रगड़ूंगा, खुद मानूंगा और अपने जीवन में चमक लाऊंगा, अपने आप को आप चुनौती दीजिए, आपके अलावा आपको नहीं सुधार सकता इस पृथ्वी पर, आप खुद को बदल बदल भगवान के भरोसे नैया पार होने वाला नहीं है, चल रहा है भगवान के भरोसे भी नैया पार चल रहा है, और बड़ी बड़ी लगती है, बड़े बड़े कथावाचक है, बड़े बड़े कथावाचक अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है, कहते हैं एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल नहीं होने वाला है, यदि एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल तो आज नहीं, आज हॉस्पिटल में नहीं पड़े होते, वो कथावाचक एक जगह गए थे और वहाँ पर लोग फूल माला चढ़ा रहे थे तो किसी ने नारियल भी फेंक दिया और वो कथा कैंसिल करके आज हॉस्पिटल में है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे, सिर्फ एक ही एक ही प्रवक्ता है जो कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, यदि आपके घर में बीमारियां पड़ रही, बीमारियां आ रही है, समस्याओं हैं, सात बेल फल, बेर का फल आप तोड़ लेना और भोलेनाथ में चढ़ा देना, आपके घर के सारे बीमारियां खत्म हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, ऐसे ऐसे पाखंड रखते चले गए, ये जीवन के नैया पार इससे नहीं होने वाला है, इसलिए हम अपने जीवन के निर्माता खुद है, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जो तिलमा ही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, आज अवसर मिला है, आज हम सौभाग्यशाली मनुष्य हैं, आज हम प्रेम करना सीखे, अपने से, बच्चों से, माँ बाप से प्रेम करना सीखे, मैं माँ बाप के लिए थोड़ी शब्द कहूँ, किसको सौभाग्यशाली कहेंगे, कौन सौभाग्यशाली है जो अपने जीवन का उत्थान कर रहा है, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो जिसके चेहरे पे मुस्कान है, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो आनंद और बादशाहत का जीवन जीता है, नहीं तो दुनिया में लोग बस नाक रगड़ते और गिड़गिड़ाते जीवन को नरक बना लेते हैं, कैसे सौभाग्यशाली, जो अपना स्वरूप, अपना आनंद, अपना स्रोत बाहर ढूंढता है वो कैसे सौभाग्यशाली हो सकता है, जो अपने आत्मा से अलग परमात्मा मांगता है वो कैसे सौभाग्यशाली हो सकता है, जो दूसरे के रिमोट कंट्रोल पर हंसता है, दूसरे के रिमोट कंट्रोल की तरह चैनल बदलने पर चैनल बदल जाता है, चित्र बदल जाता है, वैसे ही दूसरे लोग जब हंसाते हैं, निंदा प्रशंसा करते हैं तो हंसते और मुस्कुराते और दुखी होते हैं, व्यक्ति कैसे खुशी हो सकते हैं, कैसे सौभाग्यशाली, वह व्यक्ति कैसे सौभाग्यशाली हो जाता है, कैसे सौभाग्यशाली हो सकता है जो अपने माँ बाप से प्रेम करना भी नहीं सीखा, वह व्यक्ति कैसे सौभाग्यशाली होगा जो अपने भाई से, माता पिता से, अपने पत्नी से, अपने बच्चे से प्रेम करना नहीं सीखा, कैसे सौभाग्यशाली होगा, दुर्भाग्यशाली लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, हर व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है, दुर्भाग्य लेकर के आदमी सौभाग्य से मनुष्य कतन पाता है, मिला आज मनुष्य कतन है सौभाग्य से, लेकिन दुर्भाग्य बनता चला जाता है, सुंदर शरीर का निर्माण तो होता है लेकिन माता पिता के कोख से जन्म लेने के बाद माता पिता अपने बच्चे को लूले और अपहरण बनाते चले जाते हैं, दुर्भाग्यशाली लोग कैसे लूले और अपहरण बनाते हैं, बच्चे पैदा सही होते हैं लेकिन बच्चे पैदा ही बच्चे को ग्रह लगता है, दिशा लगता है, सूल होता है, बच्चे के माला में ताबीज डाल देते हैं, बच्चे को पैरों में धागा डाल देते हैं, बच्चे को देवी देवता ब्रह्म मान्यता है, भूत हुए, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज बच्चे को अपने माँ बाप लोग माँ बाप अपने बच्चे को लूले और अपना बना रहे हैं, बच्चे पैदा सही हुए लेकिन माँ बाप अपने ही बच्चे को लूले और अपना बना रहे हैं, जो कि उनके दिमाग में उसे मस्तिष्क में गलत चीजों को इकट्ठा करते इंक्लूड करते चले जा रहे हैं, सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, जो रहो करवा सो निकलेगी रोटी, यदि बच्चे के अंदर गलत मान्यताएं भरते जाओगे तो वही तो निकलेगा, वही तो निकलेगा, और बच्चे को आप सब कमजोर बनाने चले, बच्चे रोता है बैगा के पास ले जाते हैं, झाड़ फूंक कराते हैं, बच्चे ठीक हो जाएंगे,
कमजोर मजोर मजोर आपके बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी है, आपके बच्चे आपके बैंक बैलेंस है, आपके बच्चे यदि सेविंग अकाउंट में पैसा ना हो तो भी आपके बच्चे के अंदर सही संस्कार संस्कार करते हैं तो आपके बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी बने। आपने बच्चे को कितना संस्कार दिया है इस पर कल समय रहेगा तो चर्चा करेंगे। मैं अपने बात पर आऊं कि हमारे पास जो समय बचा है उन समय का इतना अच्छे ढंग से उपयोग करिए। यहाँ से कुछ लेकर के जाइए, सारे लोग लेकर के जाइए, कम से कम माता पिता का सम्मान करना सीख जाइए, आप सौभाग्यशाली व्यक्ति हो जाएंगे। मंदिर में बैठे भगवान को पूजा की जरूरत है या नहीं है आप जानिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मंदिर में बैठे भगवान से ज्यादा इंसान रूपी भगवान जो घर में बैठा है उसको पूजा की जरूरत है। मंदिर में भगवान तो आपने बनाया, आपने निर्माण किया, आपकी ही श्रद्धा है, लेकिन जो घर में बैठा भगवान है वो हमको बनाया है, हमारा निर्माण उन्होंने किया है, क्या उसकी पूजा होती है? मंदिर में बैठे भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन घर में बैठे भगवान की पूजा कर देंगे तो आपका जीवन बन जाएगा, आपका सुंदर जीवन का निर्माण हो जाएगा। आपको बताऊं, बुढ़ापे में माता पिता को आपके धन संपत्ति नहीं चाहिए, आपके मकान नहीं चाहिए, बुढ़ापे में माता पिता को बच्चों का प्यार चाहिए, बच्चों का सम्मान चाहिए। जब हम जन्म लिए थे बालापन की अवस्था था, ना जाने कितने बार उनको अपने हाथों से मारे, बालों को नोचे, भोजन देते थे, भोजन को थालियों को फेंक देते थे, ना जाने ऐसे ऐसे कितने हरकतें किए होंगे, उन हरकतों को माता पिता प्रेम से स्वीकार करते। लेकिन जब बुढ़ापे की अवस्था आती है वही माता पिता दो बार से तीन बार पानी मांगते हैं, माता पिता दो बार से तीन बार पानी मांगते हैं, बच्चे बोलते हैं तुम्हारा हाथ टूट गया है, मम्मी पापा को बोलते हैं नहीं निकाल सकते, क्या अपने ही माँ बाप को कोसना शुरू कर देते हैं, अपने ही माँ बाप से गलत व्यवहार शुरू कर देते हैं, मूर्ति एक पत्थर की मूर्ति की पूजा कर लेते हैं जिसकी श्रद्धा वो करे, मैं ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन ऑब्जेक्शन तो तब हो जाता है जब सिर्फ कर्मकांड बन जाता है। और कर्मकांड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो असली भगवान है उसकी पूजा नहीं हो रही है तो नकली भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, पहले उस भगवान की पूजा करिए जो सच में भगवान है, इंसान रूपी भगवान, इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कोई भगवान ही नहीं है। कभी जीवन बीत जाता है, 30 साल 40 साल 50 साल बीत जाता है, कभी माता पिता की आरती नहीं उतारते हैं दीप प्रज्वलित करके, कभी माता पिता के गले में हार नहीं चढ़ाते हैं, कभी माता पिता के रोज मत्था नहीं टेकते हैं, माता पिता के मत्था टेकने से आरती करने से दीप प्रज्वलित करके हार अर्पित करने से शर्म महसूस होता है, लेकिन एक मूर्ति के पास जाकर के मत्था टेकने से नाक रगड़ने से शर्म महसूस नहीं होता है। आदमी की बुद्धि देखिए, आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करिए कि आपके बच्चे आपसे प्रेम करें, आपके बच्चे आपके बच्चे आपका सम्मान करें। और भाइयों से निवेदन है कि माँ बाप का इतना सम्मान करना, माँ बाप से इतना प्रेम करना कि माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जैसे बुढ़ापे की अवस्था हो, कोई मरीज हो, मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद में दवाई की जरूरत होती है और दवाई देने के बाद उनके चेहरे पे मुस्कान आता है, चेहरा खिल उठता है, वैसे ही माता पिता को जब प्यार करते हैं, माता पिता से सम्मान करते हैं, माता पिता को भोजन पूछ लेते हैं, माता पिता की कभी आरती उतार लिया करते हैं तो माता पिता के चेहरे पे मुस्कान आ जाता है जैसे उनको टॉनिक मिल गया है। इसलिए माता पिता को आपका धन नहीं चाहिए, माता पिता को बच्चों का प्यार चाहिए। और जो बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं वो निश्चित ही जाने कि उनका सुंदर जीवन का निर्माण शुरू हो चुका है, और जो बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करना नहीं सीखे हैं वो कितना भी लाख धमान धन संपत्ति कमा ले लेकिन रहेंगे वहीं के वहीं, जीवन में कोई विकास नहीं कर पाए। आने वाली पीढ़ी उनके ही बच्चे जब उनको उसको तिरस्कृत करेंगे, तिरस्कृत भाव से देखेंगे, सम्मान नहीं देंगे, तब लगेगा शायद मैंने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिया, समय काफी हो चुका है और संतजन बोलेंगे, इसलिए मैं अपने वाणी को भी विराम देता हूं। और कल यदि समय रहेगा तो आप सभी से निवेदन है, कल यदि समय रहेगा तो आप लोग सभी आइए
और कल विशेष चर्चा यदि समय रहा तो विशेष चर्चा इस पर करेंगे कि बच्चों को संस्कार कैसे देना चाहिए, माँ बाप का सम्मान कैसे करना चाहिए, इस पर विशेष चर्चा कल होगी। आज मैं अपने वाणी वाणी यहाँ पर विराम देता हूँ। बोलिए गुरुदेव की। अभी आप सब संश्री अनिल साहब जी के